महाराष्ट्र में 5 साल तो हमने देखा है कि सब्जी इतनी नहीं बिकी होगी जितना विधायक बिक गए होंगे, तो इस बीच में कितना विकास हुआ नागपुर का? कहाँ विकास हुआ, नेता लोगों ने अपना विकास किया है यहाँ महाराष्ट्र में। भैया माना चाहिए ना, अभी जलील का औरंगाबाद से निकल कर मुंबई जाना कामयाब हो जाएगा? क्यों नहीं होगा, किसके लिए किया था उन्होंने? अपने लिए किया था, वो तो आप सल्लम की बात थी ना, उनके लिए तो हमारी जान कुर्बान है। ऐसा तो तू नवेसी, वो एक वाहिद शख्सियत पूरे हिंदुस्तान में है जो भर सांसद में मुसलमानों के लिए की आवाज बना हुआ। मैं खुद जो है तो कांग्रेस को ही वोट मारता हूँ। आप कांग्रेस को वोट मारते हैं? कांग्रेस को वोट मारता हूँ, लेकिन जहाँ कौम की बात आ जाएगी, कौम के हित की बात आ जाएगी, तो हमको सोचना पड़ेगा। बजरंग दल बना हिंदुओं की फला बहबूदी के लिए बना, वहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता कि वो हिंदू की बात क्यों करते हैं। विश्व हिंदू परिषद बना, लेकिन अगर ऐसा तो अवैसी अकबरुद्दीन अवैसी मुसलमानों की बात करते हैं तो बोले ये देखो ये नफरत की राजनीति करते हैं, हिस्सेदारी। अब कांग्रेस ने जो है पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दी, इससे मुसलमान में आक्रोश है। इस बार का एमआईएम का जो माहौल बना और वोटिंग पर्ची से बनेंगी तो एमआईएम 101% आएंगी। सलाम नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। दोस्तों इस वक्त मैं नागपुर में हूं, ये महाराष्ट्र में आता है और महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है। उठा पटक तो आपने देख लिया होगा 2019 के बाद से लेकर 2024 तक, कभी इनकी सरकार, कभी उनकी सरकार, कभी किसी और की सरकार, ये लगातार चलता रहा। खरीद फरोख का जो सिलसिला है वो शायद इतना बाजार में सब्जी नहीं बिका होगा जितना महाराष्ट्र में इस बार विधायक बिक गए होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आम जनता के बारे में, आखिर जब विधायक ही बिकते रहेंगे तो आम जनता का विकास कैसे होगा? जनता की बात करने के लिए जनता के बीच में आ गए हैं। ये उत्तर विधानसभा है, ये नागपुर है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। नज़र डालेंगे कि देखते हैं क्या होने वाला है, आम जनता क्या सोचती है भाई, क्योंकि जब जनता के बीच में जाएंगे तभी पता चलेगा। हालांकि यहाँ के लोग कतराते हैं, बोलने से घबराते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, कोशिश करेंगे। क्या हाल है? पंजा। बस भाई पंजा बोल के चले गए। क्या हाल है, क्या लग रहा है इस बार? एम आई एम काहे, इधर सुनिए तो, एमआईएम काहे के लिए क्या लगना चाहिए? एक मिनट फोन काट दीजिए। क्या नाम है? आदिल खान। अभी तो वो कहकर गए हैं कि पंजा, यहाँ से वो विधायक भी पंजा के हैं, तो एमआईएम को भी चांस देना चाहिए ना। एक मतलब क्यों चांस, क्यों सबको देना चाहिए ना? अब ओवैसी है जो आवाज़ उठाता है सबके लिए। अच्छा, तीन ओवैसी आवाज़ उठाते हैं, कैसा आवाज़ उठाते हैं वो, मतलब क्या चीज़ आपने देखा है? लड़ते भी है कौम के लिए, अभी तो सब भेदभावी चालू है ना। अभी आपने देखा होगा इम्तियाज जलील जो है औरंगाबाद से और मुंबई तक निकले थे, लाखों की तादाद में लोग थे, लाखों की तादाद में चाहने वाले। चौड़ा हो गया होगा आपका? अरे सीने चौड़े की बात ही नहीं है ना, कौम के लिए जो बोलेगा तो उसके लिए तो होगा ना। अभी यहाँ तो पूरा भेदभाव चालू है, आपको तो मालूम है भेदभाव हो रहा है, हो ही रहा है ना। अभी और साल तो हमें लगता है सब्जी इतना ना बिका होगा जितना विधायक बिक गए होंगे महाराष्ट्र में। बिके है ना महाराष्ट्र के विधायक। एमआईएम को अभी समर्थन करना है और हमको अभी एमआईएम का ही काम करना है इस बार। मतलब नागपुर में एक ही सीट तो लड़ा रहे हैं असदुद्दीन अवैसी है। हाँ, वो भी निकलेंगे इंशाल्लाह, निकलेंगे महिला निकल जाएंगे। अरे 2019 में चौथे नंबर पे थी भाई साहब, 2019 में थी ना, अभी 2019 नहीं 2024 चालू है ना अभी। अच्छा, वक्त पलटता है, बदल जाएगा हालात। हाँ, हालात भी बदलेंगे। बड़ा यार भाई कॉन्फिडेंस है इनको। क्या नाम बताया आपने? आदिल खान। आदिल खान, आदिल खान आपको बड़ा मतलब उम्मीद है? उम्मीद है। क्या हाल चाल है भाई साहब, ठीक है? बढ़िया है। क्या नाम है? फैजान आदिल। फैजान आदिल, फैजान आदिल, चुनाव आ गया है महाराष्ट्र में। 5 साल तो हमने देखा है कि सब्जी इतनी नहीं बिकी होगी जितना विधायक बिक गए होंगे, तो इस बीच में कितना विकास हुआ नागपुर का? कहाँ विकास हुआ, नेता लोगों ने अपना विकास किया है यहाँ महाराष्ट्र में, उन्होंने अपने आप को बेच करके। खड़े हो जाइए। क्या नाम बताया आपने? फैजान आदिल। फैजान आदिल, फैजान आदिल, आप क्या करें? महाराष्ट्र का तो विकास नहीं हुआ इस बार में, सिर्फ विधायक खरीदे गए हैं, तो इस बार पता नहीं अब जनता किसको सपोर्ट करती है, बिके हुए विधायकों को करती है या नए चेहरों को करती है। वैसे हमारे एमआईएम उतरी है अभी, और थोड़ी देर पहले एक लोग एमआईएम की बात कर रहे थे, आप भी एमआईएम की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है? एमआईएम आना चाहिए ना, अभी जलील का औरंगाबाद से निकल कर मुंबई जाना कामयाब हो जाएगा? क्यों नहीं होगा, किसके लिए किया था उन्होंने? अपने लिए किया था, वो तो आप सल्लम की बात थी ना, उनके लिए तो हमारी जान कुर्बान है, उनके लिए तो हमारे बच्चे कुर्बान है, हमारे वालिदैन कुर्बान है, फिर और क्या चाहिए उनसे बढ़कर? के नाम पर सब कुछ कुर्बान है हमारे लिए, वो बहुत छोटी बहुत छोटी काहे ऐसे संतों पर काहे लिए मतलब बोलते नहीं कि ऐसा मत बोला करो, रोकते क्यों नहीं है? राजनीति है ना उनकी, उनके पास मुद्दा नहीं बचा ना डेवलपमेंट का,
डेवलपमेंट का मुद्दा खत्म हुआ तो ऐसा इसको करवा दिया, हिंदू मुस्लिम बोलो या आपस में झगड़े लड़वाना। आप एक नौजवान है, कांग्रेस लोग बता रहे हैं 2024 में जीतने जा रही है, तो उधर जाना चाहिए था आपको, MIM की तरफ काहे के लिए मतलब रुख क्या, मतलब क्या सोच लिया? दिया था ना लास्ट टाइम मौका, दिया था ना, विधायक बिक गए तो फिर आप किस पे भरोसा करेंगे? आप मुस्लिम लोगों के पास तो कुछ है नहीं है, मुस्लिम एरिया है। बताओ उधर कैमरा बताओ। दो मिनट, क्या नाम है? मोहम्मद रिजवान। रिजवान, इनका तो जो अपना राय है मुझे इससे लेना देने, आप क्या सोच रहे हैं? हम क्या सोचेंगे, सोचने का क्या है, जब तक के वॉलेट पेपर पे इलेक्शन नहीं होते जब तक के कुछ बता नहीं सकते। कोई भी जीत सकता है, मतलब भाजपा जीत सकती है, बस और कोई चांस नहीं है? कोई चांस नहीं। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब यह है कि हमने जिनको जिताया था वो बिक गए? हाँ, बिके ना। लास्ट टाइम हमारे यहाँ पे मुस्लिम लोग दो पार्टियों को सपोर्ट करता है, एक NCP को करता है और दूसरा कांग्रेस को करता है। लास्ट टाइम तक के हमने किया ना उनको सपोर्ट, आपने इस बार क्या करेंगे? ऑप्शन ही नहीं है। आप जाओगे आप जीत करके, फिर आप ऑप्शन लोगे, फिर आप आपकी बोली लगेंगी, आप पैसा कमाओगे, फिर जनता का क्या? अरे तो मान लो असदुद्दीन अवैसी का विधायक भी बिक जाए तो क्या करोगे आप? नहीं, कैसे बिकेंगे, चांस ही नहीं है। अरे अभी बिहार के अंदर ऐसे ही तो हुआ, देखे नहीं, तेजस्वी के साथ चले गए थे, आप लोग आरोप लगाते रह गए। मुझे नहीं लगता पैसों से बिके होंगे, तो डर के मारे जीते होंगे भैया, बिहार है, कट्टे पर भी बिकता है इंसान वहाँ पे। ऐसा भी बिहार, ये महाराष्ट्र है, ये भी महाराष्ट्र, यहाँ कानून चलता है, यहाँ कानून के। MIM आपके मन में आ गया? क्यों नहीं आएगा भाई। तो असदुद्दीन अवैसी ने ऐसा क्या कर दिया है जो आप उनके साथ जुड़ गए? देखिए, कानून की बात करता है, मुसलमानों के हक की बात करता है, बौद्ध समाज के हक की बात करता है। सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। क्या नाम आपका? अब्बास भाई। अभी तक नहीं बोल रहे थे, अब जैसे आप बोल रहे हैं वैसे भी बोलने लगे हैं। दलितों के हक की बात करता है, गरीबों के हक की बात करता है, ओवैसी बात करता है वहाँ सांसद में। आपको लगता है कि असदुद्दीन अवैसी, अरे कितना सीट जिता लेंगे, एक दो बस, क्या करेंगे, सरकार तो नहीं बना सकते ना? नहीं, सरकार बनाना नहीं बनाना वो बात की बात है, सीट जितवाना ये भी बात की बात है, लेकिन एक्चुअल अभी महाराष्ट्र की जनता को सोचना चाहिए कि उनके साथ और खासतौर से मुस्लिम और दलितों के साथ क्या हुआ है, इन्होंने इस पर विचार करना चाहिए। मुसलमानों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है, लास्ट टाइम जो हुआ है ना, लास्ट जो 5 साल गए हैं, ये इतना यानी बोलने के लिए भी वर्ड नहीं है कि यानी ये चीज़ भी हो सकती है, मस्जिदों के अंदर हो जा, मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, क्या आपने माहौल क्या बना के रखा देश के अंदर, आप क्या चाहते हैं? कौन सी विधानसभा है ये? उत्तर नागपुर है, नॉर्थ नागपुर, नॉर्थ उत्तर है ना ये विधानसभा है। यहाँ से MIM उतरी है कि नहीं मैदान में? हाँ उतरी है ना, बिल्कुल। पिछली बार तो 9000 पे सिमट गई थी, आप बता रहे हैं हम जिता रहे हैं, 9000 पे चौथे नंबर पे थी पिछली बार, 9000 पे थी, इस बार इंशाल्लाह नंबर 1 पे रहेंगे। नंबर 1 पर, हाँ। ये हौसला कहाँ से आता है भाई? भाई देखा है ना लोगों ने, लास्ट टाइम कांग्रेस का ही दिया था ना विधायक, हाँ। दो बार से दिया था, उससे पहले भी थे, 3 बार विधायक बन चुके, 1 बार BJP को भी मौका दिया है, हाँ। 3 बार 4 बार BJP को हो गया है, हाँ। और कांग्रेस को हो गया है, तो अब एक बार तो मौका बनता है ना भाई, MIM को भी चेक करना चाहिए ना। कर लेते हैं, अच्छा लोग कतराते बहुत हैं। आपके हिसाब से असदुद्दीन अवैसी का क्या है ये जो मतलब बोल रहे हैं? तक हमने तो कभी असदुद्दीन अवैसी साहब के भाषण में भड़काऊ कोई बात बोला नहीं गया, किसी समाज को लेके वो कभी नफरत नहीं फैलाते। बीजेपी वाले कहते हैं कि नफरत, बीजेपी वाले भैया बोलते हैं वो नफरत फैलाते हैं, कांग्रेस भी कहती है कि वो नफरत फैलाते हैं। बिल्कुल, ऑब्जेक्शन तो लेंगे भैया अपोजिशन में है तो, लेकिन आज तक आप ही खुद देख लीजिए कि उन्होंने किसी समाज को बुरा बोला है, किसी के खिलाफ कुछ बोला है, असदुद्दीन अवैसी, हाँ कभी उन्होंने मंदिर का कोई मुद्दा उठाया है? अभी की स्थिति जो है तो अभी उत्तर नागपुर में आप बता नहीं सकते कि प्रॉपर कांग्रेस आएंगी। जो भाई ने अभी बोले कि ये बीजेपी फंस गई कांग्रेस, जो भाई ने बोले कि ये BJP का गढ़ है, तो ये सिरे से गलत है। आज 15 साल से जो है 3 बार से विधायक हमारे डॉक्टर नितिन राउत जी है, वही हम कहने वाले थे, लेकिन हाँ ये है कि मिलिंद माने जो है इन्होंने हारने के बावजूद भी, पिछले बार जब वो जीते तो 71,000 वोट लेके जीते थे वो, लेकिन अब की हारे तो वो 7300 वोट लेके हारे वो 1000, ठीक है, तो उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन नितिन राउत जी के लिए यहाँ पे रुकावट अब की जो पैदा हो सकती है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये बहुत बड़ी रुकावट यहाँ उनके लिए दिक्कत पैदा। दो मिनट, आपका कहने का मतलब है कि जो नितिन है जो हर बार चुनाव जीत जाते हैं कांग्रेस के बैनर के तले से, इस बार उनको जीत जाते हैं वो, इतना इस बार उनके लिए रोड़ा जो है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनने जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
उसका कारण ये है कि डॉक्टर नितिन राउत साहब से एक बड़ा तबका जो है मुस्लिम का नाराज है। नाराज है उसका रीज़न ये है कि जैसा कि अभी एक भाई ने कहा कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, वो खुलेआम करती है। उनके कई नेताओं ने ये तक भी कह दिए कि भाई हमको मुसलमानों के वोट की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों का भी ये मिजाज बना है कि अगर हम किसी को वोट देते हैं तो वह हमारे हक की बात क्यों नहीं करता। अभी नामुसे रिसालत पर बात आई, डॉक्टर नितिन राउत जी ने एक भी सभा लेके अपने लेवल पे कोई बात रखी क्या, कोई ऐतराज़ दर्ज कराया क्या? जबकि मैं खुद जो है तो कांग्रेस को ही वोट मारता हूँ। कांग्रेस को वोट मारता हूँ, लेकिन जहाँ कौम की बात आ जाएगी, कौम के हित की बात आ जाएगी, तो हमको सोचना पड़ेगा। आप सोचने लगे हैं? हमको सोचना पड़ेगा भाई, सोचना इसलिए पड़ेगा कि जिस कौम से हम ताल्लुक रखते हैं, जिस नबी को हम मानते हैं, जब उनके नाम पे बात आ जाएंगी और हमारा हुक्मरान जिसको हम वोट मार रहे हैं, जिसको हम जिता के ला रहे हैं अपने लिए, जब वो उस बारे में कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, तो फिर हम उसको वोट क्यों मारे, हम वोट क्यों मारे? आज जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है, MIM जो है, असदुद्दीन अवैसी, वो एक वाहिद शख्सियत पूरे हिंदुस्तान में है जो भर सांसद में मुसलमानों के लिए की आवाज़ बना हुआ है। लेकिन शोषित वंचित समाज की बात भी करते हैं। नहीं, हाँ, ये वो खुद कहते हैं, जैसे कि RSS बना हिंदुओं की फला बहबूदी के लिए बना, उनके अच्छे काम के लिए बना। बजरंग दल बना हिंदुओं की फला बहबूदी के लिए बना, वहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता कि वो हिंदू की बात क्यों करते हैं। विश्व हिंदू परिषद बना, वो हिंदुओं की फला बहबूदी के लिए बना, उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि वो हिंदुओं की बात क्यों करते हैं। लेकिन अगर असदुद्दीन अवैसी या अकबरुद्दीन अवैसी मुसलमानों की बात करते हैं तो बोले ये देखो ये नफरत की राजनीति करते हैं। भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनी क्यों? उनका टीम में ज्वाइन है क्या? नेता होता है क्या? मैं कांग्रेस से हूँ, इस प्रभाग 6 का अध्यक्ष भी हूँ, लेकिन मैं बात कौम की कर रहा हूँ अपनी। अच्छा, वैसे भी MIM वाले कहते हैं दरी बिछाने वाले लोग जो हैं। हाँ, राइट, हिस्सेदारी कांग्रेस ने अभी दरी नहीं, मतलब हिस्सेदारी अब कांग्रेस ने जो है पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दी। क्यों नहीं दी यार? बाबा सिद्दीकी का हत्या देखिए और इरफान को भी किनारे कर दिया। क्यों नहीं दी कांग्रेस ने टिकट? इससे मुसलमान में आक्रोश है। उत्तर नागपुर के अंदर नितिन राउत साहब को जो है नुकसान होने की संभावना है पूरी। नितिन राउत साहब अब इस सही कह रहे हैं, इनकी बात बिल्कुल 101% वो सही बोल रहे हैं। उनके बात में दम है और उनके बात में अगर इस कौम ने सुन ली और समझ ली तो MIM 101% पक्की है 101%। माहौल बन गया है, अभी तक हम समझ पा रहे थे, लोग बोल नहीं रहे थे, माहौल बन गया MIM का। बिल्कुल बन गया MIM का माहौल। अच्छा, अभी इस बात पे जो MIM का जो माहौल बना है ना, इस बार का MIM का जो माहौल बना और वोटिंग पर्ची से बनेंगी तो MIM 101% आएंगी। VM मशीन से ही करोगे तो BJP आएंगी, अगर यही है। अच्छा, इम्तियाज जलील का औरंगाबाद से निकल कर मुंबई जाना लगता है काम कर गया? वो तो करना पड़ेगा ना, पावर में आना पड़ेगा। मैंने बात किया हिस्सेदारी की, कहीं तो हिस्सा लेना पड़ेगा। जब तक हमारा चेहरा बोलने के लिए कहीं लाखों के तादाद में लोग आ गए थे, कहाँ से आ गए? लाखों के तादाद में करोड़ों भी आ सकते हैं। इन लोगों को पैसा नहीं दिया गया था, पैसा नहीं दिया गया। जैसा रामनवमी वगैरह कोई भी नवमी निकालने के लिए पैसा दिया जाता कि हम 500 दे दो तुम आ जाना, ऐसा पैसा नहीं दिया गया। खुद अपने पेट्रोल से अपनी गाड़ियों से सब गए थे। मतलब MIM का मूड आप लोगों ने बना लिया है। MIM जो है तो बहुत अच्छा काम करने जा रही है। मैं आपके माध्यम से डॉक्टर नितिन राउत साहब तक ये मैसेज देना जा रहा हूँ कि आप जो है तो कवर करने की कोशिश की है मुसलमानों को, किस तरीके से आप अपनी तरफ झुका सकते हो, आप उसके लिए भरपूर कोशिश कीजिए। वरना एक सर्वे कर लेते हैं आप सीधा एक सर्वे बोलना चाह रहा हूँ, एक बात बोलना चाह रहा हूँ सीधा। प्यारे खान जो है उन लोगों को मैं चेतावनी दे देता हूँ कि इस एरिया में BJP का वोट मांगने बिल्कुल भी ना आए। अच्छा, बिल्कुल भी ना आए। अच्छा, अगर आते भी है तो उनको जनता तो देखेंगी। मोटा मोटा सर्वे कर लेते हैं, तीन नाम लेंगे और एक नाम आपको बताना है। देखिए कांग्रेस, BJP, AIM, तीनों में से कौन? तीनों में हम चाहेंगे कि हमारा चेहरा आ जाए MIM। भाई साहब अवैसी, आप
कांग्रेस मुक्त नहीं। आप बताओ भाई, एमआईएम तो बोल, आप बताओ ना, बताओ एमआईएम टोटल, एमआईएम टोटल, एमआईएम राइट, एमआईएम टोटल। एक बात बोलना चाह रहा हूँ, जैसा मुस्लिम होने के नाते, मुस्लिम के जब जान पे बात आ गई थी, जैसा नबी के नाम पे जब बात आ गई थी, तो उन्होंने प्यारे खान साहब ने भी बोलना चाहिए था कि जब बीजेपी में है ना, कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम उनके छाती पे या सर पे हाथ रखकर उनको क्यों बोला जा रहा है। तो हम इस वक्त नागपुर उत्तर विधानसभा में मौजूद है, यानी नॉर्थ में, और नॉर्थ की जनता से डायरेक्ट हम जाकर जनता से बात करें। देखिए 2019 और उसके बाद 24 का जो आंकड़ा है वो काफ़ी टफ है। क्यों? कारण है, 5 साल खरीद फरोख का सिलसिला इस तरह चला कि हमें लगता है बरेली का झुमका भी इतना नहीं बदनाम हुआ होगा जितना महाराष्ट्र के विधायक बिकने में बदनाम हो गए होंगे। खैर, आप क्या सोचते हैं भाई, ये आप बता दीजिएगा। देखते रहें आप 24 तक न्यूज़ जनता का इनके साथ।